सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये जो स्मार्ट एन का MPPT चार्ज कंट्रोलर दिख रहा है, और ये मेरा 400 वाट का पैनल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मैंने DC को बैटरी को कनेक्शन मैंने यहाँ से इसके अंदर दे दिया। नीचे वाला जो बैटरी मेरा 150 AH का है, और यहाँ से मैंने ये जो पैनल का कनेक्शन दे दिया ताकि आपको लाइव टेस्टिंग में बता सकूँ यहाँ पे ये जो विंटर सीजन में भी कितना अच्छा जनरेशन करता है। और अभी सुबह 10 बजे है, 10:30 बजे है, और ये संडे है 19 तारीख, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं 16 MPPT चार्ज कंट्रोलर को यहाँ पे ऊपर लेके आया इसीलिए ताकि यहाँ पे लाइव आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे वेदर भी देख सकते हैं, और ये विंटर सीजन चल रहा है, सुबह 10:30 बजे तक मेरा कितना एम्पियर जनरेट करता है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ये देखो सोलर पावर अवेलेबल आया है, और उसको बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो 6.5 और 30 वोल्ट 15 एम्पियर आ रहा है, और 13 वोल्ट के साथ यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए ले आया ताकि विंटर सीजन में भी जनरेशन आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पे ये जो है, ये मेरा बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया, बैटरी नीचे वाला जो बैटरी है उसी के कनेक्शन मैंने यहाँ पे लेके आया सोलर का वायर से, और यहाँ से मैंने एक AC का वायर से। यहाँ पे थोड़ा सा लॉसेस मिलता है, लेकिन तो भी मेरे को अच्छा जनरेशन देता है। अभी सुबह 10:30 बजे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, 10:30 बजे तक यहाँ पे कितना अच्छा जनरेशन होता है। यहाँ पे आप फिर से देखिए, फिर से मैंने यहाँ पे रखा है सोलर पावर अवेलेबल लिखा आया, और यहाँ पे 6.3 और 32 वोल्ट, और यहाँ पे एम्पियर आप देख सकते हैं 16 एम्पियर 13.7 वोल्ट। यहाँ पे आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ये पीक आवर में भी मैं दिखाऊंगा इसका परफॉर्मेंस और इसका एम्पियर कितना अच्छा आता है विंटर सीजन में भी। और ये है पूरा का पूरा चारों जान 1600 वाट का पैनल है। और आज की इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ ये विंटर सीजन में भी अच्छा काम करता है, जो लोग बोलता है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉसेस मेरे को मिलेगा ये वायर के दौरान, लेकिन जो भी लॉसेस है वो मान के चलो 1 एम्पेयर के आसपास लॉस हो रहा है। यहाँ पे मैं बोलना चाहते हूँ ये विंटर सीजन में भी अगर आपका एंगल अच्छा है और आपका सनलाइट अच्छे से पड़ता है, आपका जनरेशन भी अच्छा होता है। और इसका पिक और में भी मैं दिखाऊंगा इसका जनरेशन हाईएस्ट कितना जाते हैं विंटर सीजन में भी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 12 के आसपास हुआ, और यहाँ पे प्रेजेंट DOD, और यहाँ पे सोलर पावर अवेलेबल लिखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.6 एम्पियर, और यहाँ पे कम से कम 17.3 एम्पियर 13 वोल्ट में। अभी टाइम कितना हुआ देखिए, 12:13, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्ट फैन का साउंड मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे आप जानते ही है विंटर सीजन में धूप का जो पावर होता है थोड़ा सा भी कम होता है कंपेरेटिवली समर के सीजन में। और आप कैलकुलेशन करके देख ही सकते हैं कितना एम्पियर जनरेशन हो रहा है। और आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, विंटर सीजन में अगर आपको इतना अच्छे परफॉर्मेंस आए तो आपको काम चल जाएगा। यहाँ पे देख ही सकते हैं फिर से ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा, ये सनलाइट काफ़ी अच्छा है, मतलब बुरा भी नहीं है, और इसका पावर बहुत ही कम है। धूप ये जो होता है ना, इसका टेम्पर बहुत कम होता है। आज के वीडियो इतना ही है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए नए वीडियो अपडेट पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।